अगर हम आपको कहें कि जहां आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, असल में वहां पहले बहुत बड़ा समुद्र था, तो क्या आपको यकीन होगा? हम जानते हैं कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तभी तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वतों का निर्माण आखिर कैसे हुआ और आखिर कैसे हमारी धरती पर द ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के फॉर्मेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें अतीत में जाना होगा। तो चलो हम टाइम मशीन में बिठाकर आपको आज से 250 मिलियन साल पहले ले जाते हैं। असल में आज से 250 मिलियन साल पहले हमारी धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज हमारे वर्ल्ड मैप में दिखाई देती है, क्योंकि उस समय धरती पर अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे, बल्कि सभी कॉन्टिनेंट एक जगह पर जुड़े हुए थे जिन्हें सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जाता था। इस समय जैसे सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, वैसे ही सारे महासागर भी एक साथ जुड़े हुए थे जिन्हें सुपर ओशन पेंथालासा कहा जाता था। ये वो समय था जब धरती पर लाइफ तो आ चुकी थी, लेकिन ये ओशन में ही थी। सरफेस पर अभी तक ना लाइफ आई थी और ना ही किसी तरीके की वनस्पति। उसके बाद ये सारा खेल उस समय शुरू होता है जब आज से 200 मिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद अब नॉर्दर्न पोल वाला हिस्सा लॉरेशिया या अंगारा लैंड और सदर्न पोल वाला साइड गोंडवाना लैंड बन जाता है। जब सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूटकर दो भाग में बट गया, तभी इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी भी बन गई थी, जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। और ये टेथिस सागर ही था जिसने सक्सेसफुली लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को एक दूसरे से अलग कर दिया था। अब ये दोनों ही कॉन्टिनेंट एक दूसरे के अपोजिट साइड में ट्रैवल करने लगे, लेकिन सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का टूटना कोई ऐसे ही दो पल में नहीं हो गया था। असल में ये काम होने में करोड़ों साल लग गए थे और इसके लिए धरती का इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन ये कोई आखिरी बार नहीं था जब अर्थ के इंटरनल फोर्स ने कॉन्टिनेंट में चेंज किया हो। एक्चुअल में ये तो बस स्टार्टिंग ही थी। अर्थ का इंटरनल फोर्स लगातार अपना काम करता रहा और फिर धीरे धीरे इसने लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को भी तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले लॉरेशिया टूटा और लॉरेशिया से टूटकर एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट बन गए। इसके बाद बारी आती है गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया बने। हमारा भारत जो आज एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वास्तव में पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इस समय तक धरती के 7 कॉन्टिनेंट बन चुके थे, लेकिन अर्थ का इंटरनल फोर्स लगातार अपना काम कर रहा था। इस समय नॉर्थ के कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और साउथ के कॉन्टिनेंट साउथ की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी और ना ही कोई इसके पीछे का रीजन आज तक जान पाया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये खिसक कर उत्तर की तरफ आने लगा। असल में हुआ यूं कि इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हो गई और सक्सेसफुली नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने लगी। वैसे इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट की नॉर्थ की ओर ट्रैवल स्पीड 9 से 16 सेंटीमीटर प्रति ईयर थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की तरफ खिसक रही थी, तो टेथिस सागर में भी लगातार विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ चली गई और आज से 10 मिलियन साल पहले ये जाकर टेथिस सागर से टकरा गई। जब ये टेथिस सागर को पार करके एशियाई प्लेट से टकराई, तो टेथिस सागर के अवसादों में फोल्ड आ गए, जिससे हमारे हिमालय का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। वैसे हम आपको बता दें, ये कोई एक दो दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं था। असल में इसके होने में करोड़ों साल लग गए थे।
और करोड़ों साल का रिजल्ट आज हिमालय के रूप में हमारे सामने है। एक्चुअल में जब इंडियन कॉन्टिनेंट यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो इन दोनों कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में जुड़कर फोल्ड हो गई, जो आज हमें हिमालय के रूप में दिखाई देती है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप अपने हाथों की दो फिंगर का यूज कर सकते हैं। जब आप अपने दोनों हाथों की फिंगर पर दबाव डालकर एक दूसरे को धकेलते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाकर सीधी हो जाती है। ऐसा ही कुछ माउंटेन फॉर्मेशन में भी होता है। जब दो प्लेट आकर आपस में टकराती हैं तो उनमें फोल्ड पड़ जाते हैं। इससे हल्की प्लेट नीचे धस जाती है और भारी प्लेट ऊपर की तरफ आ जाती है। इसी प्रोसेस से फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। वैसे हम आपको बता दें कि माउंटेन चार टाइप के होते हैं, जिनमें नंबर एक पर फोल्डेड माउंटेन आते हैं तो वहीं नंबर दो पर वॉल्केनो माउंटेन आते हैं। इनके अलावा रेजिडुअल माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम हिमालय के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि फोल्डेड माउंटेन की। जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था और इंडियन प्लेट यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराई थी, तब उस समय तिब्बत के प्लेटू का फॉर्मेशन भी हुआ था। वैसे हम आपको बता दें कि हिमालय का फॉर्मेशन कोई एक ही बार में नहीं हो गया था, बल्कि ये चार अलग अलग टाइम पर बना है, तभी तो इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। जब इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो सबसे पहले टेथिस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। टेथिस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल माउंटेन शामिल हैं। और अगर टेथिस हिमालय की एवरेज हाइट की बात की जाए तो ये 4000 मीटर ऊंचा है, और अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये आज से 45 मिलियन साल पहले बना था। टेथिस हिमालय की एक और खासियत है कि इसके अंदर किसी भी तरीके की वैली नहीं पाई जाती है, यानी कि ये पूरी तरह से यूनाइटेड है और इसमें कोई जोड़ नहीं है। अब टेथिस हिमालय बन चुका था, लेकिन इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर आना अभी भी जारी था, और फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट से ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इसका टाइम पीरियड आज से 25 मिलियन साल पहले का था। ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। इतना ही नहीं, इसी के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, और इसका ज्यादातर भाग प्रेजेंट के नेपाल में पाया जाता है। लेकिन फिर भी हिमालय को भारत में माना जाता है, क्योंकि आज का नेपाल भी अखंड भारत का ही पार्ट था। ग्रेटर हिमालय के बाद लिटिल हिमालय बना, और फिर आज से 10 मिलियन साल पहले हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट की हेल्प से हिमालय के सबसे नए और छोटे पार्ट शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। ये शिवालिक का फॉर्मेशन ही था कि टेथिस सागर पूरी तरह से अवसादों से भर गया और यहाँ पर सिंधु गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, जिसे वर्ल्ड का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। हिमालय की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का घर है, और इसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर और लंबाई 2400 किलोमीटर है। कैसे हिमालय का नाम सुनकर लोग सोचते हैं कि इसमें केवल पर्वत और पहाड़ ही शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हिमालय एक बहुत बड़ा नेचुरल और गॉड गिफ्टेड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार, सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी बिग रिवर का ओरिजिन पॉइंट, ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, लघु हिमालय या लिटिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के साथ साथ हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। असल में हिमालय भारत के लिए लाइफ लाइन का काम करता है, क्योंकि वो हिमालय ही है जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में घुसने नहीं देता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर हिमालय ना होता तो भारत बर्फ से जमा रहता और यहाँ पर सिंधु गंगा प्लेन जैसी संरचनाएं भी नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, वो हिमालय ही है जो चीन जैसे दुश्मन देश से हमारी सेफ्टी को सिक्योर करता है, क्योंकि अगर हिमालय ना होता तो हमें वहाँ पर भी अपनी सेना तैनात करनी पड़ती, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर दिखाई पड़ता। लेकिन ये सब तो हम आज की बात कर रहे हैं। वास्तव में तो बहुत पहले से ही हिमालय भारत की रक्षा कर रहा है, क्योंकि हिमालय की ही वजह से चीन की तरफ से आने वाले अटैकर का आना बहुत कम रहा है।
नहीं तो अगर हिमालय ना होता तो बहुत सारे आक्रमणकारी भारत पर अटैक कर देते और शायद भारत का वैसा डेवलपमेंट ना हो पाता जैसा भारत का हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं, हिमालय को भारत की लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो हिमालय ही है जहां से नदियां आकर हमारे देश को पानी देती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहां पर खेती होती है और हमारा देश एक एग्रीकल्चर प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि वैसे हिमालय केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि ये भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत और चीन में भी फैला हुआ है। वैसे तो हिमालय को बांटने के कई आधार हैं, लेकिन रिवर के बेस पर हिमालय को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग है। इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में आता है। तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय आता है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसके बाद आता है असम हिमालय और तीस्ता से देहांग नदी के बीच का हिमालय असम हिमालय कहलाता है। हालांकि पूर्वांचल हिमालय को भी हिमालय का ही पार्ट माना जाता है, जो कि दिबांग नदी से लेकर कलादान नदी के बीच का भाग है। यही नहीं, हिमालय के अंदर बहुत सारी वैली भी पाई जाती हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम में बहुत खूबसूरत से शहर बसे हुए हैं, जैसे कि देहरादून, पाटलिदून और हरिद्वार। ये सभी हिमालय की वैली में बसे हुए शहर हैं और प्रेजेंट में ये भारत की सबसे खूबसूरत वेकेशन डेस्टिनेशंस में शामिल हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट आते रहते हैं। वैसे क्या आप कभी हिमालय में गए हैं? और अगर नहीं गए तो क्या आप हिमालय जाना चाहते हैं? साथ ही आपको हिमालय का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको हिमालय के फॉर्मेशन की कहानी बताई। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।